कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज के क्लास में इस प्रश्नावली के सभी उदाहरण करेंगे, तो आपको ये क्लास ध्यान पूर्वक समझनी है। कुछ विद्यार्थी बार बार मांग कर रहे थे कि सर हमें उदाहरण भी कराओ। उन छात्रों की मांग पर मैं आपको इस प्रश्नावली के उदाहरण भी करवा रहा हूँ, तो आपको ये बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने हैं। और ये क्लास पढ़ने से पहले आप वो क्लास जरूर पढ़ें जिसमें हमने इस प्रश्नावली का बेसिक समझाए, सामान्य परिचय समझाए। वो अगर आपने अच्छी तरह से समझ ली तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देखो उदाहरण नंबर 1 में क्या है, नीचे दिए गए समीकरणों को x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b व c का मान बताइए। मतलब जो समीकरण दे रखे हैं उनको इसके रूप में लिखना है और फिर यहाँ से a और b और c का मान आपको ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो समीकरण है उसको इस रूप में बदलो कर ले दो। देखो यहाँ x प्लस by प्लस c और बराबर में क्या आना चाहिए, 0। देखो यहाँ 2x प्लस 3y ये तो है लेकिन प्लस में c नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको इस तरह से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखो ध्यान देना इधर। और आपको पता है ऐसा समीकरण जिसे x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से देना इधर, सबसे पहले कुछ रूप का बनाएंगे। तो देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो 2x प्लस 3y ठीक है ना। अब ये वाला नंबर किधर आएगी, ये प्लस का है किसमें आ जाएगा, माइनस का 4.37 और बराबर में क्या बचेगा, 0। अब देखो ये समीकरण किस रूप का हो गया, ठीक है तो क्या लिख सकते हो, अतः समीकरण ये जो भी समीकरण है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है और इसके रूप का है। हम यहाँ से ए बी सी के मान निकाल सकते हैं, जो x के गुणा में है वो a का मान है, जो y के गुणा में है वो b का मान है और जो अकेला है अचर पर वो c का मान है। देखो x के गुणा में a का मान, y के गुणा में b का मान और जो अकेला है वो c का मान, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो a का मान जो x के गुणा में कितना है, 2। फिर b का मान जो y के गुणा में है कितना है, 3। और c का मान जो अकेला है, देखो यहाँ प्लस में है सी और यहाँ किसमें माइनस में, तो आ जाएगा माइनस का 4.37। चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आ गया आपके ए बी और किसका मान, सी का मान। आइए समझ में। अब जब उदाहरण दूसरा पहले का दूसरा है, सबसे पहले तो इसको इसके रूप में लिखो, पहले एक्स आएगा फिर बाप वाई आएगा और फिर अचर पद आएगा मतलब नंबर, तो इस वाई को इधर लाएंगे जब क्या हो जाएगा, सेम इसकी तरह बनाने पहले x, तो ये x है सही। अब इसके बाद y आता है तो ये y प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का y और ये माइनस का 4 बराबर में क्या बचेगा, 0। तो हो गया समीकरण इसके रूप का, क्या कह सकते हैं अतः समीकरण क्या हो गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का है, हो गया। अब यहाँ से a, b, c का मान निकालना है, तो बताओ a का मान जो x के गुणा में है, अब x के गुणा में कुछ नहीं है ना, तो एक लेंगे, कितना लेंगे, एक। x के गुणा में कितना है, एक, इसका मतलब x का मान कितना हो गया, एक हो गया। अब देखो b का मान जो y के गुणा में, अब y के गुणा में कुछ नहीं है तो कितना ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, तो ठीक है एक किसका हो जाएगा, माइनस का। अब c का मान जो अकेला है तो माइनस का कितना है, 4 है, तो ये आ गया आपके a b व c का मान। आगे समझे, अब देखो ये वाला इसको भी पहले आप इसके रूप का बनाओ, मतलब पहले x आएगा फिर y आएगा और फिर अचर पद आएगा, मतलब ये वाला अचर पद हम इधर ले लेंगे, इधर लेते हैं प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो पक्षांतर करना है, 4x माइनस का 3y और ये प्लस का इधर किसमें आ जाएगा, माइनस में, और इधर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, 4x माइनस 3 इसको उधर लेंगे ना, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब बराबर का चिन्ह है ना, तो 0 को चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4x माइनस 3y माइनस का 4 बराबर में 0 लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि बराबर में इधर लिखो चाहे उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः जो समीकरण है वो किसके रूप
चुका हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है तो ए का मान जो x के गुणा में है क्या है 4, b का मान जो y के गुणा में है कितना है माइनस का 3, c का मान जो अकेला है माइनस का 4। आ गया, अब देखो ये वाला इसी का सवाल नंबर 4, इसी का चौथा वाला 2x बराबर y, तो पहले आएगा x फिर आएगा y और फिर आएगा अचर पद, ठीक है ना। तो इधर लाओ पहले पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा 2x, अब ये किसका है प्लस का, इतना आगे किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा जीरो, ये बचेगा ना। अब देखो यहाँ x आ गया, y आ गया, क्या नहीं आया c, अगर कोई नंबर उपलब्ध ही नहीं है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको हम जीरो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जीरो। आगे समझ में, तो क्या हो गया अतः अब हो गया ना समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है, हो गया। तो अब यहाँ से देखो ए का मान जो x के गुणा में है 2, b का मान जो y के गुणा में है, अब y के गुणा में कुछ नहीं है कितना है 1, और 1 यहाँ माइनस का आ जाएगा, और c का मान कितना है अचर पद मतलब 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा a b और c के मान। उतारो देखो उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो सभी सवाल दे रखे हैं इनको आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो बताओ दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, ऐसा समीकरण है जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिख सकते हैं, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो ये जो समीकरण है ना इसको आपको इस रूप में बनाना है, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे बनाएंगे, पहले तो आएगा x है हमारे पास, फिर आएगा y, अब देखो y यहां पर नहीं है, अगर मतलब y वाला नंबर आएगा तो यहां पर नहीं है, देखो इसको हम बढ़ाएंगे कैसे, फिर आएगा c, देखो c वाला नंबर तो है यहां पर, अब जो नहीं है ना उसको हम जीरो ले लेंगे, क्या ले लेंगे जीरो। तो देखो सबसे पहले तो a का मान तो यहां कितना है 1, b का मान नहीं है तो क्या मान लेंगे जीरो, और c का मान कितना है 5। जैसे हमने उदाहरण नंबर 1 में a b c का मान निकाला था ना, तो यहाँ भी a b और c का मान देखना है, a का मान 1, b का मान नहीं है तो जीरो, और c का मान कितना 5, माइनस का 5। देखो ध्यान देना इधर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस 5 को इधर लाओ, क्या हो जाएगा x, और ये माइनस का इधर आएगा किसमें जाएगा प्लस का 5 बराबर में। अब देखो a x a का मान कितना 1 है, तो x का x ही रख देंगे प्लस, अब b यहां पर है ही नहीं तो b का मान क्या ले लेंगे 0 into y, ठीक है ना, और प्लस c का मान कितना है 5 और बराबर में क्या जाएगा 0। अब इसको हल करोगे ना आप तो वापस आपके ये आएगा, देखो x का तो x 0 को y से गुणा करने पर क्या आता है 0 आता है, और प्लस का कितना है 5 हो गया इसके रूप का, ये ax हो गया, ये by हो गया, और ये क्या हो गया c। आगे समझते हैं, तो केवल ऐसा बनाना है आपको, देखो दूसरा इसके रूप का बनाना है, तो हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। a जो x के गुणा में है क्या हुआ नहीं है, नहीं है तो क्या ले लेंगे 0, पहले इधर लो देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का बराबर में 0। सबसे पहले a जो x के गुणा में है ही नहीं यहाँ पे, तो कितना है 0 into x, हो गया ना, प्लस अब b जो y के गुणा में है, y के गुणा में कितना है 1 और into y हो जाएगा। अब प्लस का c जो अकेला है तो माइनस का कितना है 2 बराबर में, बन गया इसके रूप का ऐसा बनाना है। अब देखो आगे यहाँ भी पहले इसको इधर लाओ, तो 2x ये प्लस का किस में जाएगा माइनस का 3 बराबर में 0। अब इसको लिखना है आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में, मतलब इस रूप में। अब देखो जो x के गुणा में है वो a कितना है 2, x हो गया, अब जो y के गुणा में वो b है, अब यहाँ y है ही नहीं तो b कितना है, b हो जाएगा 0 गुणा y। अब प्लस का c, तो c का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 बराबर में, दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब देखो ये वाला
सबसे पहले दो को इधर लाओ, 5y माइनस का 2 बराबर में 0, ठीक है। अब बनाओ x के गुणा में क्या है a, अब वहां x है ही नहीं तो a कितना है 0, तो क्या हो जाएगा 0 into x प्लस, अब y के गुणा में b, तो b कितना है 5y, अब लास्ट में c अकेला, तो ये हो गया माइनस का 2 बराबर में 0, ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस प्रकार से आप इनको दो चर वाले रैखिक समीकरण में बना सकते हो, बदल सकते हो, जो नहीं है उसको क्या ले लो 0 ले लो सर।